दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 और 35A यानी कि आर्टिकल 370 और 35A को कमजोर करने के खिलाफ कई सारी अर्जियां दायर की गई थी। आपको बता दूं, सुबह ही मैंने आप लोगों को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट आज इस पे सुनवाई करेगा और अभी अभी ब्रेकिंग खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई की है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दो ऐसी याचिकाएं हैं जिस पे केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। और एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जो कि मैं आपको बता देता हूं लाइव अपडेट की अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है। दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों चीफ जस्टिस रंजन गगोई ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को लेकर किसी भी आदेश को जारी करने से इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ ही साथ अदालत ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर संचार व्यवस्था को सुचारू करने का फैसला ले, यानी कि संचार व्यवस्था को चालू करने का फैसला सरकार ले। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसके साथ ही साथ मीडिया की आजादी को लेकर के भी एक याचिका पर सुनवाई हुई है। पत्रकार अनुराधा भसीन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। उन्होंने बताया कि घाटी में अभी ना इंटरनेट है ना ही संचार माध्यम की कोई सुविधा है। सुनवाई के दौरान अदालत में पूछा कि अभी तक कश्मीर में संचार व्यवस्था चालू क्यों नहीं हुई है। ये जो है केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक और यानी कि याचिका पे सुनवाई हुई है वाइको, जो कि डीएमके के लीडर हैं यानी कि सांसद हैं, उनकी तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले वाइको की याचिका पर सुनवाई की गई है। चीफ जस्टिस रंजन गगोई ने इस दौरान कहा है कि अभी वहां पर क्या हालात हैं, फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी दिया है। यह बहुत बड़ी खबर। सरकार ने 30 सितंबर तक जवाब देने को कहा गया है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो जम्मू एंड कश्मीर के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया था, उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो उसको लेकर के डीएमके के एक नेता वाइको ने जो है एक याचिका दी थी। उन्होंने कहा था कि उनसे मिलने की इजाजत दी जाए, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अभी तक ये दो ही याचिका तीन है तो पाइए आगे अगर कोई याचिका पे सुनवाई होकर के जो भी जजमेंट आता है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी यही है कि दो ऐसी याचिकाएं हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।